दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय एडुपेस कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड सनी टेंट हाउस ऊना। अपनी आजीविका के लिए प्रदेश से बाहर रहने वाले हिमाचली परिवारों के बच्चों के साथ शिक्षा क्षेत्र में होने वाले भेदभाव को प्रदेश सरकार समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, ये बात काठगढ़ में अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ द्वारा आयोजित दो दिवसीय अर्धवार्षिक सम्मेलन में संघ के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि संघ के दो दिवसीय सम्मेलन में प्रदेश के विकास से जुड़े कई मसलों को उठाया जाएगा व इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों के मसले को भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है, हिमाचल में रेल विस्तार कार्यक्रम को गति देने का मामला भी उठाया गया है। अखिल भारतीय हिमाचल सामाजिक संस्था संघ की आज द्विवार्षिक बैठक काठगढ़ में प्राचीन शिव मंदिर काठगढ़ में हो रही है। इसमें हिमाचल में प्रदेश में से बाहर रह रहे लोगों के प्रति जो समस्याएं हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करके जल्दी ही प्रस्ताव पास करके प्रदेश सरकार एवं केंद्रीय मंत्रालय से पत्राचार करके सारी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा। राकेश जी, क्या इश्यूज आज जो यहाँ डिस्कस होंगे, प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? इसमें प्रमुख सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो हिमाचल से बाहर प्रवासी हिमाचली रह रहे हैं उनके जो बच्चे हैं उनको हिमाचल में भेदभाव किया जा रहा है उनके साथ में, ये भेदभाव प्रदेश में नहीं होना चाहिए। एजुकेशन के बतौर पे सभी बच्चों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रदेश से बाहर रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, ना कि हम दूसरे किसी मुद्दे के लिए। अगर प्रदेश में हमें नौकरी रोजी रोटी मिल जाए तो हम प्रदेश से बाहर नहीं आएंगे। इसलिए हमारा ये मांग है प्रदेश सरकार से कि वह इस कठोर निर्णय पर अपनी दोबारा पुनः से विचार विमर्श करने के बाद में दोबारा पुनः विचार विमर्श करें और प्रदेश के हित के और प्रदेश के जो लोग प्रवासी हिमाचली जो प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं उनके बच्चों को बराबरी का कोटा दिया जाए। इसमें रेलवे और भाखड़ा विस्थापितों से जुड़े मसले भी उठाए जा रहे हैं, क्या उसके बारे में बताएंगे आप? जी, ये भाखड़ा डैम ऑस्पीस का जो मुद्दा है, हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के साथ भी टिकअप किया था, उनको विस्तार पूर्वक हमने अपनी जो मांगे थी, हमारी संस्था जो कि फतेहाबाद से है उनकी पूरी मांगे हमने उनको भेजी हैं। उन्होंने हमारा जो लेटर है वो पंजाब के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनके पास भेजा है, लेकिन उसके बाद उसमें आगे निरंतर क्या प्रोग्रेस हो रही है क्या नहीं हो रही है उससे अभी तक हम अनभिज्ञ हैं। और सेकंडली, रेलवे के लिए प्रदेश में रेलवे का विस्तार जरूरी है। हमारी ये जो ऊना से आगे तलवाड़ा लाइन है पिछले 50 सालों से चल रही है, अभी तक ये सिर्फ दौलतपुर तक पहुंची है, तो इसका विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही हमारी ये भनौपली से आगे लेह लद्दाख तक जो जा रहा है सर्वे, हमारे अनुराग ठाकुर जी ने बहुत अच्छी तरह से उसमें इंटरेस्ट लिया है, रेलवे अथॉरिटी के साथ भी उन्होंने बात करी है, लेकिन इसमें अभी फंड्स आना बहुत ज़रूरी है। जब तक फंड्स नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदेश आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए काठगढ़ से जतिंदर कंवर की रिपोर्ट। एडुपेस कोचिंग इंस्टीट्यूट ऊना फॉर IIT, JEE, नीट, NDA नर्सिंग। एडमिशन ओपन फॉर ड्रॉपर बैच, 2 ईयर्स प्रोग्राम, स्पेशल NDA बैच फॉर गर्ल्स। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप, टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड। क्लासरूम स्टडीज, कैब एंड होस्टल फैसिलिटी, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। ऑपोजिट PG कॉलेज ऊना, चंडीगढ़ हाईवे ऊना। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन 9459800801, 9459800806, 9459800807। ऊना शहर में खुला टेंट बाजार, सैनी टेंट हाउस एंड कैटरिंग, जलेड़ा चौक और टक्का रोड ऊना। सैनी टेंट हाउस में एक ही छत के नीचे हर प्रकार के टेंट, बैंकेट और पैलेस की साज सजावट का सभी प्रकार का सामान उपलब्ध है। पाइप पंडाल, ब्रास टेंट कैटरिंग, ग्रोसरी और सजावट का सामान उचित दामों पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9816072340, 9805072340, 9882740340।